तो आज का जी आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि सबके लिए देखना जरूरी है। जो भी इस डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई भी सरकारी सेवक के रूप में काम करते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं, अगर आप इस नियमावली के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं, तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, वो भी काफ़ी बड़ी। इसके साथ साथ अभी हम इस वीडियो को जोड़ रहे हैं हाल ही में हुए पंचायत सहायक, महिला पंचायत सहायक जो अभद्र व्यवहार हुआ है, जो गाली गलौज हुई है। बात यहाँ पे करें तो कई पेपर सारी कटिंग है, कई विज्ञापन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। महिला पंचायत सहायक है जिसके पिताजी भी नहीं हैं, उसके प्रधान जो हैं वो महिला हैं, और साथ में जो प्रधान पति हैं, जो प्रतिनिधि कहे जाते हैं, वो रोजगार सेवक का काम करते हैं, जैसा कि मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है। अब बात यहाँ पे करें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस नियमावली में आते हैं, उसके पहले थोड़ी सी बात करें। यहाँ पे गाली गलौज के साथ में ये मार पीट के भी होने तक की फुटेज है। अगर किसी को आप मारते हैं या फिर मारने के लिए उस पर हमला करने का प्रहार करते हैं, तो उसके बराबर ही होता है। तो यहाँ पे साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं आप कि गाली गलौज झड़प जैसा महसूस हो रहा है, और साफ साफ उसमें दिख रहा है कि मारने के लिए सामने वाले को जो है पंचायत सहायक को मारने के लिए भी अपने हाथ उठाया था, लेकिन लोगों की धर पकड़ से, बीच बचाव से मामला जो है बचा लिया गया। कि जस्ट बात जो है ये नोटिस भी आई है कि निकालने की बात है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले जगह जगह आ रहे हैं, सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन समस्या यहाँ पे नहीं खत्म होती। समस्या ये होती है कि अगर कोई सरकारी एम्प्लाई आपके साथ में दुर्व्यवहार करता है, तो क्या कहती है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सेवक आचरण जो नियमावली 1956 है, वो क्या कहती है? क्योंकि कभी भी हम जब कानूनी या फिर इस तरह से दांव पे से आगे बढ़ते हैं, तो हम ठोस आगे जाते हैं, और बिना दांव पेच या बिना कोई नियम, बिना किसी गाइडलाइन, बिना किसी एक्ट के हम कोई चीज़ करते हैं, तो हम प्रॉपर जो है मजबूती से पेश नहीं हो पाते। तो बात करें यहाँ पे गाइडलाइन जो हमारी 1956 है, इसमें साफ साफ बात करें तो कई सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आप ये भी देखेंगे दहेज न लेने या फिर दहेज इस तरह से उस मामले में फंसने, राजनीतिक मामले में फंसने, राजनीतिक पोस्ट करने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे इसमें बड़ी बात है कि किसी भी महिला कर्मचारी वगैरह आपके साथ में काम कर रही है, तो आप उसके खिलाफ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कहते हैं तो 1956 जो आचरण नियमावली बनी है, इसके तहत आप जो है अपराधी माने जाते हैं। इसमें बर्खास्त से लेकर के जेल जाने तक की दंडात्मक कार्रवाई इसमें मेंशन है। मैं इसकी अटैचमेंट कॉपी लिंक में डाल दूंगा, आप इसको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा जो भी विभाग के एम्प्लॉई हैं, और इसको फॉलो करना जरूरी है। हालांकि वैसे भी किसी के लिए आप अगर एक तरह से गाली देते हैं, एक तरह से आप उसको अगर मारने के लिए करते हैं, धमकी देते हैं, तो वो अपराध हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकारी जो सेवक आचरण नियमावली है, ये आपको बताती है कि अगर आप सेवक हैं तो भी आपके लिए ये एक्स्ट्रा जो है एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है। बात करें इसमें कौन कौन आता है, कुछ लोग कहते हैं कि रोजगार सेवक नहीं आएंगे, पंचायत सहायक नहीं आएंगे, सचिव, तो इसमें कौन कौन आएंगे साफ साफ देख सकते हैं। स्पष्टीकरण इस बात के होते हुए भी कि उस सरकारी कर्मचारी को वेतन उत्तर प्रदेश की संचित निधि से अतिरिक्त साधनों से लिया जाता हो। बात को समझिए, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी जिसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी कंपनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को अर्पित कर दी हो, इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारी समझा जाएगा। तो बात करें आचरण नियमावली किसी के भी हो, चाहे वो किसी ने सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस दे दी, केंद्र सरकार के माध्यम से कर दी, या फिर किसी भी निगम के माध्यम से कर दी, लेकिन वो कहा जाएगा सरकारी कर्मचारी ही, और जो ये आचरण नियमावली है उस पर साफ साफ ये लागू होगी। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी कर्मचारी ऐसा करता है, तो सबसे पहले ये आचरण नियमावली जो है ये उस पर लागू होती है, और इसके खिलाफ जो है उस पर कोई भी केस खड़ा किया जा सकता है, और फिर वो इसमें काफ़ी परेशान हो सकता है। तो बात करें अगर कोई भी किसी पे हाथ उठाता है, कोई भी कर्मचारी किसी पे, साथ करके महिला कर्मचारी भी, क्योंकि महिला सभा, बाल सभा, महिलाओं के लिए पंचायतों में भी, पंचायत जितनी महिलाएं हैं उनके लिए ट्रेनिंग भी रखी जा रही है कि कम से कम महिला प्रतिनिधि जो है वो निकल के स्वयं से काम करे, उनके जो सपोर्टिव में लोग काम करते हैं, उनके हस्बैंड काम करते हैं लोग, वो ना काम करें। ये काफ़ी दिन से मुद्दा चल रहा है, और इस पंचवर्षीय में इस मुद्दे पर काफ़ी जोर दिया जाएगा कि जो भी फीमेल्स हैं प्रधान, वो खुद वर्क करें और उनकी जगह पे कोई और वर्क ना करे, उनकी ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए विभाग सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, और जल्द ही इसी वित्तीय वर्ष में सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। एक बार जो भी लोग इस तरह से करते हैं, तो कम से कम इस आचरण नियमावली को प्रॉपर देख लें,
उसके बाद ही कुछ ऐसे संगीन मामलों में अपने आप को हस्तक्षेप करें, वो चाहे कोई रोजगार सेवक हो, चाहे कोई भी एम्प्लाई हो, चाहे वो स्वयं पंचायत सहायक ही ना हो, कोई भी हो, वो अपने आचरण को यहाँ पे ध्यान करके ही अपनी नौकरी में अपने को सर्वाइव करे। हालांकि इस नियमावली में ढेर सारे पॉइंट है, पर सारे पॉइंट को नहीं पढ़ूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको काफ़ी जानकारी देंगे। तो आई होप आज की छोटी सी अपडेट थी, ये जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके कुछ काम की होगी। वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पर अगर नया सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।